अभी बनाएंगे हम मुंबई रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला डोसा। और मसाला डोसा के लिए ये फ्राई पैन गरम कर लिया, उसमें डाल लेंगे एक चम्मच छोटी चम्मच तेल, और तेल को गरम करेंगे। और तेल गरम होने के बाद इसमें डालेंगे राई, ये राई डाल लेंगे। जब राई पूरी तरह से फूट जाएगा इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, ये कड़ी पत्ता। और इसके अंदर डालेंगे अब हम ये दो आलू मैश कर लेंगे। आलू को हमने उबाल लिया था, फिर उसको छील लिया। ये आलू इसके अंदर, और इस आलू को डाल देंगे फ्राई पैन में और हल्का सा फ्राई कर लेंगे आलू को। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे आधी टी स्पून नमक, ये नमक डाल लेंगे इसमें। और इस पे डालेंगे एक चुटकी हल्दी, ये हल्दी पाउडर इसके अंदर, और आधी टी स्पून ये लाल मिर्च का पाउडर, और सबको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेंगे सबको। डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ता, ये धनिया पत्ता हमने डाल लिया मसाला डोसा के लिए, मसाला तैयार करने के लिए। आलू रेडी हो चुका है, इस फ्राई पैन को हम गैस के ऊपर से उतार लेंगे। और ये मसाला डोसा के लिए बैटर बना लिया है, आधा चावल का आटा और आधा उड़द का आटा दोनों मिक्स करके 12 घंटा भिगो लिया था, फिर इसको मिक्सर में पीस लिया। इस तरह से पतला बैटर हमने बना लिया है मसाला डोसा के लिए। और एक कटोरे में इस बैटर को डाल लेंगे और इसको डालेंगे यहाँ पे थोड़ा, और इस तरह से इसको फैला लेंगे कटोरे से। इस तरह से फैला लेंगे और इसको स्लो गैस पे पकने देंगे अच्छे से। और 5 मिनट पकाने के बाद इस पे डाल लेंगे ऑयल, ऑयल इस तरह से लगा लेंगे इसमें, इस तरह से ऑयल लगा लेंगे मसाला डोसा में। और इसमें डालेंगे ये डोसा के लिए जो हमने मसाला तैयार किया था वो मसाला इसके ऊपर, मसाला इसके ऊपर, और इसको इस तरफ से फोल्ड कर देंगे और एक इस तरफ से फोल्ड कर देंगे। और ये फोल्ड करने के बाद यहाँ बीच से इसको कटिंग कर लेंगे, इस तरह से डोसा को कटिंग कर लेंगे, और एक कटिंग यहाँ से कर लेंगे। और ये तैयार है हमारा क्रिस्पी मसाला डोसा।